Assalamualaikum guys. Sebagai pad bajra aur is waqt jo hai hum nikle hue hain dekhe sari to sanna dai tak hai. देखे सुबह होना शुरू हो गई और माशाल्लाह देखे जो है सुबह का स्टार्टिंग पॉइंट है अब स्टार्ट हो रही है सुबह तो हम जा रहे हैं अभी नीचे से वहीं पता चल रही है ठीक है और माशाल्लाह से सुबह हो गई है असल में मैं सुबह इसलिए निकला 5 बजे के मैंने बोला भाई ये सुबह देखनी है मुझे काफ़ी टाइम हो गया सुबह उठते तो आप ये मॉर्निंग टाइम हम देख रहे हैं ठीक है इतना अच्छा मौसम हो रहा है बल्कि और लाइफ जो है बहुत अच्छी लग रही है साइड से और बहुत मज़ा आ रहा है काफ़ी बात दिखे सुबह में देखिए हम इस वक्त आए हुए हैं व्यू आ रहा है यहाँ पर और बहुत ज़बरदस्त जगह है और ये क्या नाम है हम क्या बताएं कि हम कहाँ बता रहे हैं और ये जो जगह है बड़ी खूबसूरत सी हमने कहा चलो गाड़ी रोक के थोड़ा सा यहाँ के नज़ारे करें बड़ी अच्छी जगह बन गई है बिल्कुल पूरे ग्रीन ग्रीन हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है और ये रोड जा रहा है पीछे ये रोड है अपना कायदाबाद का ये रोड है और हम लोग आज हमने बोला आपको पूरी सुबह दिखानी है सुबह होते हुए और सारे दिन का जो हमारे रूटीन में आते हैं शामिल आज हम आपको दिखाएंगे ठीक है और हम लोग इस वक्त आ चुके हैं लांडी स्टेशन और आपको एक बात आपसे शेयर करनी थी
ये है कि इन्होंने कहा था कि सुबह चलना है, ठीक है छोड़ गए, अब पहले बेगम वाली ड्यूटी करेंगे उसके बाद फिर दूसरे काम करेंगे। तो हमें जाना है सुबह 12 बजे शॉप पर, सुबह भी जाना होता है, लेकिन क्या है जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। ये कहानी है सारी, बोलते हैं इससे अभी देखने आते हैं और ट्रेनों की आमदराम जो है ना रुक चुकी है, देखना टाइम और इस वक्त का टाइम मेरा 6:30 बजे का है, हालांकि शालीमार वगैरह गाड़ी आती है पर 7:30 बजे, लेकिन जो है ट्रैक बंद करे हुए हैं बारिश के बाईस थोड़ा नुकसान बहुत सारा हो गया रेलवे का भी और मसले मसाइल भी हो गए। तो कहने का मकसद ये जो लाइफ पार्टनर होता है ना अपना, तो उसकी भी थोड़ी मानना चाहिए बात, जरूरी नहीं अपनी अपनी चला है, आप देखे उठे हुए ना किसी वजह से कि हमारा लाइफ पार्टनर बोला भी जाना है तो जाना, चलो चलो आप भी खुश रहो। और इस तरफ जो है ये देखें बिल्कुल ही सन्नाटा, वो एक मूवी का सीन है ना अंधेरी रातों में, लेकिन यहाँ पर जो है सुबह सुबह हो रही है और शहन से निकलता है और वाला सीन याद आ गया, अभी पता नहीं फिल्म का नाम क्या था बट एनीवेज ये देखिए बड़ी खूबसूरत जगह है ये भी लग रही है, क्योंकि यहाँ जो है ना लोग मौजूद नहीं है, अभी लोग आ जाएंगे तो ये जगह भी आपको बुरी लगेगी ज़्यादा, मतलब रश हो गया तो। और ये देखें चौकीदार पुलिस वाले सारे वो लगे पड़े अपनी जगह पर, ये सब पुलिस वाले आना बिल्कुल शुरू हो गए। चलो अभी इस वक्त हमारे नाश्ता करते हैं, सुबह का टाइम था, सारी शॉप्स वगैरह बंद पड़ी है, ये एक शॉप खुली हुई थी, हमने कहा चलो रोटी खाते हैं, रोटी खाने आए देखिए 7 पे लगी हुई है, कल करके रखता हूँ आगे अब रोटी खाते। गाइस ये पूरी जगह जो है ये हवेली की है, आप देख रहे हैं यहाँ पूरी हवेली है, यहाँ से ना स्टार्ट है ये पूरी हवेली और ये पूरी हवेली है। और ये हवेली कहाँ पर है हम आपको बताएंगे, और ये बिल्कुल 50 साल पुरानी नहीं, 50 साल नहीं हो गई, ये पाकिस्तान बनने से भी पहले की 75 साल पुरानी हवेली है, और अभी इसको जो है स्टोर रूम बनाया हुआ है। थोड़ा आगे चले जाओ मैं वीडियो बनाऊंगा। नहीं आगे जाने की जरूरत ही थोड़ी बड़ा नहीं है, और जो है ये इसकी दो जगहें हैं, और गाइस ये हम आप घूम करके दूर से लेते ये पूरी जगह जो है ये हवेली और ये काफ़ी बड़ी जगह है जिसको जाने लगा के बन गया हुआ है, और ये बहुत कदीम ज़माने की कहते हैं ना उसे 75 साल पुरानी है, ये 75 साल हो गया इसको बने। गाइस अब हम पहुंच गए अपने घर और अब हम जा रहे हैं घर पे, तो अब आपसे चाहेंगे इजाज़त।